गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, दिस इज अनुज एंड वेलकम टू फंडलैंड बाय अनुज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपकी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट से रिलेटेड सारी बात करने वाले हैं। मोस्टली कितने सवाल आपके होते हैं, ईडब्ल्यूएस क्या है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट स्टेट सेंटर का क्या डिफरेंस है, वैलिड कब तक होती है, उसके ऊपर साइन किसका चलेगा, क्रूशियल डेट की बात कहें तो क्या हो सकता है, नया बनवा लें तो क्या होगा, यही आपके घूम फिर के चार पांच सवाल हैं। सारे सवालों के जवाब इस सिंगल वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। वीडियो का एंड तक आप जरूर देखिएगा, कोई चीज स्किप मत कीजिएगा बीच में, ताकि आपको कमेंट करके वही चीज ना पूछनी पड़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होता क्या है। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट उन स्वर्ण जाति के लोगों को प्रोवाइड करवाया जाता है जो समाज में आर्थिक रूप से कमजोर हैं। मान लो कोई जनरल कैटेगरी का बंदा है लेकिन वो आर्थिक रूप से कमजोर है, तो उन्हें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर प्रोवाइड करवाई जाती है कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट दी जाती है, जिसके तहत वो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अंदर आ जाते हैं और उनको 10% का आपको रिजर्वेशन मिलता है। ठीक है, ये तो होती है आपकी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। अब अगली आपसे जो पॉइंट आता है वो आता है ईडब्ल्यूएस जो सर्टिफिकेट होता है आपका वो कितना टाइप के होते हैं, मतलब उन्हें कौन कौन इशू कर सकता है। ठीक है, तो जो आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होता है वो आपके पास दो तरह के होंगे, एक आपका स्टेट का होता है, एक सेंटर का होता है। ठीक है, हालांकि दोनों को जो इशू करने वाले हैं, दोनों को जो जिन पे साइन करने वाले हैं वो आपके सेम रहते हैं, लेकिन सिर्फ एक परफॉर्मा चेंज हो जाता है। ठीक है, तो आप इधर देख सकते हैं जो मैंने पहली फोटो लगाई है ये आपकी है सेंटर का। ठीक है, इसके अंदर आप देख सकते हो जो आपकी इनकम है, जो आपकी लिमिट है वो 8 लाख रुपए तक है। ठीक है, तो ये आपका है जो दिल्ली पुलिस में मांगा गया है 8 लाख वाला। ठीक है, आप साइड में देख सकते हैं। चलिए इसे हटा देते हैं, अब बात करते हैं एक जो स्टेट इशू करते हैं उसमें क्या होता है। देखिए, दूसरी फोटो आपके सामने लग चुकी है और इस दूसरी फोटो के अंदर आपने देखा कि जो इनकम है वो 6 लाख रुपए तक की है। ठीक है, सो जो ये 6 लाख रुपए वाला है ये जो आपका है ये स्टेट का है आपका। ठीक है, ये स्टेट का क्राइटेरिया होता है। अब हम इसे हटा देते हैं। ठीक है, तो ये दोनों जो है आपके पास, एक स्टेट का है एक सेंटर का है, तो जो आपके पास अभी दिल्ली पुलिस में चलेगा वो कौन सा चलेगा, ये जो पहला परफॉर्मा। एक बार दोबारा से मैं फोटो लगा देता हूं, एक बार आप देखिए, जो ये 8 लाख रुपए वाला है ये आपके चलेगा, यही परफॉर्मा आपको वहां पर प्रस्तुत करना है, वहीं पर आपको ये परफॉर्मा देना है, यही पे आपको साइन होंगे। ठीक है, चलिए इसको हटा देते हैं। अब अगली बात हम करते हैं, क्या क्या होता है बता दिया, डिफरेंस पता लग गया। अगला पूछते हैं जो इसके अंदर सवाल आता है वो आता है आपका वैलिड का। ठीक है, कि भैया ये वैलिड कब तक होता है। ठीक है, हालांकि जो ये आपका जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है ये जो आपको प्रोवाइड करवाया जाता है ये 1 साल के लिए वैलिड होता है आपका। ठीक है, इसकी जो वैलिडिटी होती है वो 1 ईयर होता है आपकी डेट ऑफ इश्यू से, लेकिन जो इसको कैलकुलेशन का मेथड है वो आपका डेट ऑफ जिस तारीख को इश्यू किया गया वो ना मानकर यहां पर आपका फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, जो आपका फाइनेंशियल ईयर है उसको बेस मान के चला जाता है, क्योंकि आप एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर मान लो 2019 से और 2020, इस फाइनेंशियल ईयर में आप 31 मार्च से 1 अप्रैल से लेके, ठीक है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, 2019 का 1 अप्रैल और 2020 के 31 मार्च तक, क्या इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर क्या आप इकोनॉमिकली वीक थे। अब ये फाइनेंशियल ईयर क्यों लेके चलते हैं, ठीक है, अब देखिए इसके अंदर आपको समझ में आएगा हम इकोनॉमिकली वीक कर रहे हैं। इकोनॉमिक क्या होती है आपकी, फाइनेंशियली आपकी कंडीशन वीक हो, मतलब आर्थिक रूप से, आर्थिक का मतलब धन के अभाव से आपका। तो फाइनेंशियल ईयर के अंदर की जो एक फाइनेंशियल का अर्थ यहां पर इनडायरेक्टली धन से आपका, ठीक है, उस एक पर्टिकुलर उस ईयर के अंदर भैया आपका जो आप थे वो इकोनॉमिकली वीकर थे आप। ठीक है, इतने समर्थ नहीं थे आप स्वर्ण जाति के होते हुए भी, इसलिए आपका ये ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो वैलिड होता है फाइनेंशियल ईयर के लिए होता है। ठीक है, अब बाकी और भी चीजें आपको बताऊंगा, लेकिन अब ये देख लेते हैं क्रूशियल डेट्स के बाद का। अगर आपने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाया है, अगर आपका जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो क्रूशियल डेट के बाद का है तो क्या हो सकता है। तो देखिए यहां पर दो ऑप्शन हो सकते हैं आपके पास, यहां पर कोई भी उम्दा जानकारी नहीं है लेकिन एक आपको हम ये कह सकते हैं कि एक अजम्पशन हो सकती है आपकी। ठीक है, वो सुन लीजिए क्या हो सकती है। अगर आपकी क्रूशियल डेट जो है उसके बाद का है, उसके बाद का है, तो आपके पास दो पॉसिबिलिटी, तीन पॉसिबिलिटी है आपके पास। ठीक है, अब तीन पॉसिबिलिटी कौन सी है वो देख लेते हैं। सबसे पहली पॉसिबिलिटी है आपकी कि आपका फाइनेंशियल ईयर चेक किया जाए,
ठीक है। सबसे पहली पॉसिबिलिटी है फाइनेंशियल ईयर आपकी सर्टिफिकेट का देख लिया जाए, ठीक है। दूसरा जो आपके पास है, दूसरा ये है आपको प्रोविजनल दिया जाए, ठीक है, आपको प्रोविजनल दिया जाए। अब आपको बहुत से लोगों को नहीं पता तो मैं बता देता हूं प्रोविजनल क्या होता है, ठीक है। प्रोविजनल ये होता है भैया, जैसे आपने कॉलेज पास कर लिया, ठीक है, अब आपने कॉलेज पास कर लेते हो, कॉलेज पास करने के लिए आपकी जो मेन डिग्री है वो डिग्री तो आपकी एक साल डेढ़ साल बाद आती है, तो आप कॉलेज में जाके कहते हो सर हमें प्रोविजनल डिग्री दे दो आप, ठीक है। प्रोविजनल का मतलब होता है उसी के इक्विवेलेंट कोई प्रूफ दे दो आप हमें, ठीक है। तो आप जहां भी जॉब करते हो या जहां भी आपको नौकरी लेनी है, आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिखा देते हो अपनी या प्रोविजनल डिग्री दिखा देते हो और उसको सत्य ही माना जाता है। तो प्रोविजनल का मतलब आपका यहां पर यही होगा कि कुछ ऐसा प्रूफ जो आपको ये प्रूफ कर देगी भैया आप क्रूशियल डेट से पहले भी इस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर थे, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब जो अगला बात है तीसरा पॉइंट के चांस जो है वो लास्ट के आपके 3-5% है कि आपको बाहर कर दिया जाए, ठीक है। जो लास्ट का है वो आपको बाहर कर दिया जाए, ठीक है। इसके अलावा बाहर करने के लिए आपको एक चीज और होती है कि अगर आपका फाइनेंशियल ईयर जिस साल में फॉर्म फिल किया गया था, अगर उसी साल का फाइनेंशियल ईयर आपका शो नहीं होता है तो इट मीन्स कि आपने देख मान लो आपको 19-20 का, अगर आपके पास 2019 या 20 का आपने बनवा रखा है, ठीक है, 19-20 का आपके पास फाइनेंशियल ईयर है, तो मैं मान के चल सकता हूं कि 20 के आपके पास मार्च तक का है, ठीक है, 20 मार्च तक आप तो थे उसमें। अब आपने एक बनवा रखा है 20-21 का कि भैया 20 के अप्रैल से 21 के मार्च तक, तो ये तो आपने फॉर्म फिल किया उस समय आप इस कैटेगरी के अंदर तो पर्टिकुलर थे ही, तो जब आप इस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर थे तो आपका ये वैलिड मानेंगे, क्योंकि आपका फाइनेंशियल ईयर क्या होगा भैया 2020 में फॉर्म फिल हुआ, ठीक है, 2021 अब चल रहा है, इसी के बीच में फॉर्म की डेट भी निकली, इसी के बीच में फॉर्म फिल किया गया, सारी चीजें इसी के बीच में ही आपकी की गई है, तो ये आपका वैलिड माना जा सकता है। अब बहुत से बच्चों के पास 2019 का है, अब जिनके पास 2019 का है उनको तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप अपना फिलहाल के लिए नया बनवा लें, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर कौन सा बनेगा आपका 2000, अब जिसको बनवाना था वो मार्च से पहले बनवाना था, अब मार्च से पहले आपका बनवाना था लेकिन नहीं बनवाया, तब आपके पास अगली फाइनेंशियल ईयर का बनेगा। अब पीछे की फाइनेंशियल ईयर की आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है, लेकिन अगर आपके पास 19 का है तो आप वही लेके चले जाइए और अब नया बनवा लीजिए, अब नया बनवा लीजिए, दोनों लेके जाना, पुराना भी और नया भी आपको लेके जाना है। अब लास्ट आपके पास आते हैं साइन, इसके ऊपर साइन किसके होंगे, ठीक है, तो साइन पे आपका सबसे पहले इसके ऊपर या तो डीएम के साइन हो, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के, आप ये भी चेक कर लेना साइन किसके आपके, ठीक है। दूसरा आपके पास एडीएम, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के आपके साइन हो, ठीक है। तीसरा आपके पास है कलेक्टर, आपके पास कलेक्टर का साइन हो, ठीक है। इसके बाद आपके पास डेप्यूटी कमिश्नर का साइन हो, ठीक है, उसके बाद आपके पास एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर का साइन हो, ठीक है, उसके बाद आपके पास फर्स्ट क्लास स्टाइपेंड्री का साइन हो आपके पास, ठीक है, या फिर आपके पास मजिस्ट्रेट का साइन हो, ठीक है, या फिर एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का साइन हो आपके पास, ठीक है, मजिस्ट्रेट का साइन हो या फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का साइन हो। इसके अलावा आपके पास यहां पर मैं लिख देता हूं तालुका, ठीक है, तालुका मजिस्ट्रेट का साइन आपका इसके ऊपर हो, ठीक है, नो हो गया था, तालुका मजिस्ट्रेट का हो आपके पास, ठीक है। इसके अलावा चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट का साइन हो, या फिर आपके पास प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट इसका साइन हो, ठीक है। रेवेन्यू ऑफिसर जिसका रैंक तहसीलदार से कम नहीं होना चाहिए, जिसका रैंक जो है नॉट ब्लो तहसीलदार, रेवेन्यू ऑफिसर जिसका रैंक तहसीलदार से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो आपका हो सकता है। इसके अलावा आपके पास सब डिविजनल ऑफिस, यहां पर सब डिविजनल ऑफिस,
आपके एरिया का, ठीक है, वो इश्यू कर सकते हैं आपका, ठीक है। अब बात आती है आपकी, जो अगली बात आती है, लाइक शेयर कर देना वीडियो को, ठीक है, नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। गर्मी में लग रहे हैं आपके पास, क्योंकि आजकल मौसम खराब चल रहा है, लाइट का आपको पता है लोड बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ने की वजह से तो लाइट के कट भी बहुत ज्यादा लग रहे हैं, ठीक है, और मल्टी कट्स लाइट के बार बार लग रहे हैं। इस वजह से यार देखो आपके सामने की बात, आप गर्मी देख सकते हो, पसीना देख सकते हो, लेकिन सिर्फ आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो लाइक शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ठीक है। चलिए, अब आपके पास ये सारी चीजों के साइन, अगर इनके साइन है तो वैलिड होगा। अब अगला सवाल आपके लिए आता है भैया, हमारे पास सेंटर के साइन कौन करेगा, स्टेट का साइन कौन करेगा, ठीक है, सेंटर का चलेगा, स्टेट का चलेगा। तो मैंने आपको पहले बता दिया, सेंटर और स्टेट में सिर्फ इनकम का डिफरेंस है, 6 लाख या 8 लाख, साइन यही सारे करेंगे, 6 लाख पे भी यही करेंगे, 8 लाख पर भी यही करेंगे, लेकिन आपको अपना जो फॉर्मेट है, जो मैंने आपको 8 लाख वाला दिखाया था, वो लेके चलना है, 6 लाख वाला लेके नहीं चलना है, ठीक है, याद आ गया। तो अब आपको सबको क्या करना है, 8 लाख वाले फॉर्मेट पे साइन करवाना है, 6 लाख वाले पे नहीं करवाना है। और ये सारों की लिस्ट जो जो मैंने बोर्ड पे बताई है, मैंने साइड में भी एक बार लगा दी, आप देख सकते हैं, यही सारी चीजें की मैंने आपको प्रिंट आउट के रूप में यहां पे लगा दी है, आप इसको एक बार और अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको आज समझानी थी, ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड सारी बातें मैंने आपको बता दी है, शायद कोई भी ऐसा डाउट नहीं होगा जो आपको बचा होगा। फिर भी अगर ईडब्ल्यूएस से लेके कोई डाउट आपका बचा हुआ है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या तो अगली वीडियो में या मैं कमेंट में रिप्लाई करके उसको बिल्कुल दूर करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही, बस इतना ही आप सबको बताना था, कुछ बातें बतानी थी यार, लाइक शेयर जरूर कर देना, गर्मी में आपके लिए लगे हुए हैं, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, वरना तो हर आदमी बाहर बैठा है आराम से मस्ती में बैठा है, लेकिन आपको कोई दिक्कत ना हो, आपके डाउट ना रह जाए इसलिए लगे हुए हैं, ना लाइट की परवाह, ना गर्मी की, ना पंखे की, ठीक है। सो आप लाइक शेयर कर दियो, नए हैं तो सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस कर देना। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।